रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। और आंटी आपका कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सर 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? दाल चावल सब्जी है। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की, और बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं दोनों मिलके यहाँ पे। अंकल कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी तो इनकी लागत हो जाती है जितनी की ये कमाई नहीं कर पा रहे। इतनी बढ़िया आप सब्जी बनाते हैं अंकल, फिर भी नहीं बिक पा रही है। कोरोना में तो बहुत दिक्कत आई, कोरोना में तो बहुत दिक्कत आई, कोरोना में तो खाना मिलना मुश्किल हो गया था। बिक्री कुछ होती नहीं रहा, जो कमाई होती रहा दो चार पैसा बिक्री होती रहा, अब तो बिल्कुल लेने होती है, दूध से ये तनी होती है कमाई, नहीं तो कोई भी नहीं ग्राहक है, खाना बच जाए सारे घर ले जाएंगे, घर पर सब वही खाना खाएं, दो तीन दिन तो उपवास करे ना रहे, राशन पता है कुछ रहा पैसा नहीं कि हमें ले आए, तब 30-30 रुपये 40 रुपये किलो आटा रहा तब नहीं लिया पाई, तो वही में एक रोटी खा खा के बचे रहे। गौरव जी की मेहरबानी से लोग हमारे पास आ रहे हैं, आज हम उनके वजह से इस जगह पे पहुंचे हैं, अब हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, सब लोग बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। आज सुबह से है कितने लोग आ गए हैं? मतलब बहुत आए हैं, चाय पी के गए, खाना लेके गए हैं, सब आते हैं। आज से दो दिन पहले मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने देखा कि दो बुजुर्ग लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद इतना अच्छा खाना बनाने के बाद ये खाना नहीं बेच पा रहे, और मेरी आंखों में आंसू आ गए वो सुन के कि इतने बुजुर्ग लोग सुबह 6:30 बजे से लगते हैं, खुद सारा काम करते हैं और अपनी लागत भी नहीं निकाल पाए 1:30 बजे तक। तो मैंने बोला दिन भर में कितने कर लेते हैं, बोला कि 300-400 रुपये कमा लेता हूँ लेकिन मेरी लागत ही 500-600 रुपये की है। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और इनकी वीडियो बनाई और मैंने बोला अंकल जितना मैं और मेरे फॉलोअर्स आपकी मदद कर पाएंगे हम करेंगे, इनका घर रेनोवेट कराने में हेल्प करेंगे, इनकी दुकान रेनोवेट हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आपको इनकी असल मदद करनी है तो इनके हाथ का आके खाना खाइए, चाय पीजिए, पराठे खाइए, मटर पनीर खाइए, ज़रूर खाना, और आना ज़रूर, आपको खुशी मिलेगी।